भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, और भगवान कलयुग में श्री कल्कि निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल्कि धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस मंच पे परम श्रद्धे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धे स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं, मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है कि जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, सज्जनता पर खतरा उमड़ता है, भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभित्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामहम। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, और भगवान कलयुग में श्री कल्कि निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान जहां आता है
वो धराधाम बन जाती है। अयोध्या में जितना काम भगवान का आपके हाथ से हुआ, ये ऐसा संयोग है जो सनातन धर्म और इस राष्ट्र की इस ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम अगर आज कोई कर रहा है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ये एक और अद्भुत संयोग है कि भगवान राम के सारे काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं और आज का ये दिन, ये शुभ घड़ी, जिसे देखने के लिए कितनी ही आंखें जो बंद हो गईं, ये शुभ घड़ी जिसका सपना हमारी कितनी माताओं बहनों ने देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आज सपना साकार हो रहा है क्योंकि श्री कल्कि धाम की पावन धरती पे आपके चरण पड़े हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये कल्कि धाम, श्री कल्कि धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल्कि धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर रहेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर ना था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा, क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है? मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार नारा और जयकारा लगना चाहिए हाथ खड़े होकर के, अवधपुरी से कल्कि धाम, अवधपुरी से कल्कि धाम, अवधपुरी से कल्कि धाम।